गाइज स्वागत है आपका टेक विद क्रिश चैनल पर। तो गाइज आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि भाई यार आपके सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे हैं बट आपके चैनल पे व्यूज क्यों नहीं आते। तो यार ये चीज़ मैं भी जानता हूँ कि यार मेरे चैनल पे मतलब लगभग 35,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं बट अगर व्यूज़ की बात करूँ तो लगभग 200, 300, 400 मैक्सिमम 500 तक व्यूज़ एवरेज में आ जाते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे सही अप्रॉक्सीमेट लगाऊँ मतलब जितने व्यूज़ मुझे एक्चुअल में आने चाहिए मेरे सब्सक्राइबर्स के हिसाब से, तो मैंने बड़े यूट्यूबर्स के जो व्यूज़ है वो चेक किए, जैसे मनोज डे भाई और टेक्निकल योगी भाई, तो उनका मैंने ये देखा कि मान लीजिए जैसे उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो लगभग 5 से 10% लोग उनकी वीडियोज़ को देखते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे 2 मिलियन मनोज डे के सब्सक्राइबर्स हैं तो उनके जो एवरेज व्यूज़ आते हैं वो आते हैं लगभग 1 लाख से 1.5 लाख, मतलब 1 लाख के आसपास ही उनके व्यूज़ आते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 5% उनकी ऑडियंस जो है वो उनकी वीडियो को रेगुलर देखती है। अब इसके हिसाब से अगर मैं अपना कैलकुलेट करूं तो मान लीजिए अगर मेरे 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं तो 10% के हिसाब से हुआ 3500 और 5% के हिसाब से हुआ लगभग 1700 से 1800 व्यूज मुझे वीडियो अपलोड करने के बाद आने चाहिए। बट आते कितने हैं? 300, 350, 400, 250। तो यार ये बहुत कम है। अब इसका रीजन क्या है ये मैं नहीं जानता। गाइज इससे पहले मैंने आपसे कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि मतलब मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल देता हूँ। और यार जो 5 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल हैं वो भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं बहुत लोगों को अभी भी, मतलब 10 मिलियन होने के बाद भी वो बोलते हैं सब्सक्राइब कर दो। तो यार इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर हम यूट्यूब पर चैनल बनाए हुए हैं मतलब मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब के लिए बोलना ये हमारा हक है, मुझे ऐसा लगता है। तो यार मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक बार चेक कीजिए कि अगर आप जब मेरा चैनल खोलते हैं और नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या आपने बेल आइकन पे क्लिक किया है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यूट्यूब मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशंस है वो सब तक नहीं पहुंचा रहा। मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब 35-40 हज़ार के आसपास अगर किसी के सब्सक्राइबर्स हो तो उसके सिर्फ 200-300 व्यूज़ ही वीडियो अपलोड करने के बाद आए, क्योंकि 5-10% तो आएंगे ही, मतलब लगभग 2000-1500 व्यूज़ तो मुझे आने ही चाहिए वीडियो अपलोड करने के बाद, जो कि नहीं आ रहे हैं। तो गाइज आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है यार कि एक बार मेरे चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब के बटन पे दोबारा क्लिक करो, मतलब अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर दो और वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको दबा दो और वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑल कर दो, मतलब जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो सेम वही कर दो, ताकि यार जो मेरी जो वीडियो बनाता हूँ मैं उसकी नोटिफिकेशन एटलीस्ट सब तक जाए। क्योंकि आप में से बहुत लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको वीडियो पसंद आती है और सब यही बोलते हो यार कि वीडियो में कोई कमी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो यार आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई एक बार ऐसा कर लो मेरे लिए, ताकि यार मतलब काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, लगभग 2 साल हो रहे हैं, तो 35,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स की मुझे कोई टेंशन नहीं है यार, 1 लाख भी हो ही जाएंगे जल्दी। बट मतलब मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया एटलीस्ट उन तक तो वीडियो पहुँचे। तो यार प्लीज़ एक बार दोबारा ये चेक कर लो मुझे, क्योंकि ऐसा ही लगता है कि भाई मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की सब तक नहीं जा रही है, अगर जाती तो इतने कम व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस में लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं और कई में तो लाखों में हैं। तो यार उस हिसाब से मुझे ऐसा पर्सनली फील नहीं होता। तो यार प्लीज़ इतना कर देना, और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहा हूँ, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, बस एक बार ये कर दो ताकि मुझे भी शांति हो जाए कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ और जो लोग मेरी वीडियो देखना चाहते हैं उन तक मेरी वीडियो पहुँच रही है। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में बस आपको यही बोलना था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे हेल्प करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे।